माय लवली फोक्स, अस्सलामुअलैकुम। तो चलिए आज मिलकर बनाते हैं रमजान स्पेशल चिकन फ्राई या फ्राइड चिकन की डिलीशियस रेसिपी। आज हम देखेंगे कि किस तरह हम अपने चिकन को ऊपर से सुपर क्रंची एंड क्रिस्पी रख सकते हैं, बट साथ ही साथ अंदर से सॉफ्ट और जूसी भी। तो यहाँ मैंने 1 किलो चिकन को वॉश करके एक बोल में निकाल लिया है। इसमें मैं एक नाइफ की हेल्प से छोटे छोटे कट्स लगा लूंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जितने भी मसाले हम इसके अंदर मिलाएंगे वो बहुत ही कम वक्त में इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, मतलब मैरिनेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। तो मैरिनेशन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है दही, तो उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून दही, वजन में 50 ग्राम मान के चलिए आप। इस दही को मुझे एकदम थिक लेना है, मतलब इसमें पानी ना हो, क्योंकि जब हम मैरिनेशन करते हैं तो चिकन जो है वो ऑलरेडी अपना पानी रिलीज करता है। तो हम यहाँ पे काफी थिक दही ले लेंगे। उसके बाद लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तो 2 to 3 teaspoons मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, वो भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। अब ले लेंगे कुछ सूखे मसाले। सूखे मसालों में मैंने लिया है यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून बेसन, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर ले लिया है मैंने। अब यहाँ मिर्चों में मैंने 2 टाइप के रेड चिली पाउडर लिए हैं, 1 teaspoon लिया है नॉर्मल वाला रेड चिली पाउडर, 1 teaspoon कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है, जिसकी वजह से कलर अच्छा आएगा। 1 teaspoon गरम मसाला ले लिया है मैंने, 1 टेबल स्पून चाट मसाला लिया है, क्योंकि चाट मसाले का फ्लेवर बहुत अच्छा सा टेंगी फ्लेवर आएगा इसके अंदर। 1/2 teaspoon लिया है भुना कुटा हुआ जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून सॉल्ट ले लिया है, वैसे सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। 1 टीस्पून कसूरी मेथी ले ली है मैंने, और 1/2 टीस्पून ली है अजवाइन, 1/2 टीस्पून ही हल्दी पाउडर ले लिया है। इन सारे ही मसालों को हम चिकन के ऊपर डाल देंगे। इसके अलावा मैं 1 नींबू का रस इस्तेमाल करूंगी, अच्छे से इसके अंदर निचोड़ दूंगी, बीज अलग निकाल दूंगी। अब इन सारी ही चीजों को हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है चिकन के साथ, क्योंकि मैरिनेशन इसी से अच्छा होगा कि आप कितना अच्छे से उसको मिक्स करते हैं और कितना टाइम के लिए उसे आप छोड़ते हैं। जैसे कि अब थोड़ी सी गर्मी है तो आप क्या कीजिए, इसको या तो किचन काउंटर पे रखना है तो 1 आवर के लिए रख दीजिए, और अगर आप फ्रिज में रख सकते हैं तो 2 से 3 घंटे के लिए आराम से आप फ्रिज में रख लीजिए और फिर आप फ्राई कर लीजिए। लेकिन अगर कि आपको जल्दी है तो आप 1 घंटे के लिए किचन काउंटर पर छोड़ सकते हैं और फिर फटाफट से इसे फ्राई कर लीजिए। लेकिन हमें तो ऐसी कोई जल्दी नहीं है, तो हम इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो 2 घंटे हो चुके थे, हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया है, अब इसको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मैंने गैस पर एक कढ़ाई रखी है, इस कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल को मुझे बिल्कुल हाई फ्लेम पर एकदम स्मोकिंग पॉइंट पे गर्म कर लेना है। गैस की फ्लेम इस वक्त हाई है। यहाँ मैं एक एक चिकन के पीस को उठाऊंगी और इसमें डालती चली जाऊंगी। आप जब चिकन के पीसेस को इसके अंदर डालें तो बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड आपको फ्राई करना है, लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। गैस के फ्लेम को हाई रखिए और बिल्कुल बिना छेड़े चिकन के पीसेस को इसके अंदर फ्राई होने दीजिए 2 से 3 मिनट के लिए। क्योंकि क्या होगा कि अगर हम इसे टच करेंगे तो उसकी जो ऊपर की कवरिंग है, जो लेयर है मसाले की, वो निकल सकती है। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम इस गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर अब हमें 7 से 8 मिनट इसको फ्राई करना है। बीच बीच में हम क्या करेंगे कि हल्का हल्का इसको पलटते रहेंगे हल्के हल्के से, जिससे कि सारी तरफ से ये अच्छे से फ्राई हो जाए। 7 से 8 मिनट के अंदर ही आप नोटिस करेंगे कि जो बोटियां हैं वो चिकन की बोन से अलग होने लगेंगी। देखिए, यही एक पहचान होती है चिकन के अच्छे से फ्राई होने की, कि वो ऊपर से बहुत अच्छा क्रिस्पी हो जाता है और अंदर से कच्चा नहीं रहता। मतलब उसका जितना ऊपर से क्रिस्पी होना इम्पोर्टेंट है फ्राइड चिकन में, उतना ही इम्पोर्टेंट है उसका अंदर से गलना भी। बहुत अच्छी रेसिपी है फोक्स। अगर आपके पास में चिकन है तो आप चिकन को वॉश कीजिए, कुछ उसके अंदर मसाले मिलाइए और मैरिनेट करने रख दीजिए। मैरिनेट हो जाएगा, फटाफट से उसको फ्राई कर लीजिए। मतलब बिल्कुल सफिशिएंट और फुलफिलिंग रेसिपी होती है। आप 2-3 टाइप की चटनी रख लीजिए एंड यू आर सॉर्टेड। तो लीजिए, फटाफट से बन गया है हमारा परफेक्ट फ्राइड चिकन। ऊपर से सुपर क्रिस्पी है और अंदर से देखिए कितना सॉफ्ट, कितने आराम से टूट रहा है। आज ही एंजॉय कीजिए इसे अपने इफ्तार में या फिर आने वाले किसी भी इफ्तार के मौके पर। अल्लाह हाफिज़।